हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट अकेडमी। टुडे इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट ग्रेगर जॉन मेंडल एंड द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस एंड स्टेप्स इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। नाउ टुडे वील स्टार्ट विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज inheritance of one gene। ठीक है, what do you mean by monohybrid cross? It is a cross between two forms of a single trait। ठीक है, it is a cross between two forms of a single trait। single trait, trait और character। suppose कि character ले लिया हमने height, तो height के two forms, height के two forms क्या होंगे? alternative form, height के two forms will be tall and dwarf। सो क्रॉस बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेट दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, नाउ देखो, फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी गॉट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। देयर आर थ्री लॉज, थ्री मेंडल लॉज, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टुडे वील स्टडी दीज थ्री लॉज इन डिटेल। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट दिस लॉ स्टेट्स। ठीक है, देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट स्टेट्स दैट, देखो इसमें क्या होता है कि हमने देखा टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, तो जब हमने क्रॉस किया, देखो ये दिस इज पेरेंट। ठीक है, दिस इज वन पेरेंट, दिस इज सेकेंड पेरेंट, दिस इज वन पेरेंट, दिस इज सेकेंड पेरेंट, और जब हमने ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो गए, दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ, तो जो F1 जनरेशन में आया, F1 जनरेशन में क्या आया, देखो दिस इज कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल T, स्मॉल T, तो यहाँ से कैपिटल T मिलेगा और यहाँ से स्मॉल T, दिस इज दीज आर गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल T एंड स्मॉल T, तो F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा, कैपिटल T एंड स्मॉल T, सो इट विल बी टॉल। ठीक है, यानी F1 जनरेशन में क्या मिला, टॉल। तो इसका मतलब मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आपको मिला, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पर आपको कौन सा कैरेक्टर मिला, टॉल, दिस मीन्स दिस टॉल इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस ड्वार्फ इट इज रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, समझ आ गया, डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर, दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलो अब देखो कि इसमें क्या है, वेरियस हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। ये फैक्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपने लास्ट क्लास में देखा था कि मेंडल ने ये सारे लॉस कब दिए थे, 1866 में। ठीक है, यानी काफ़ी टाइम पहले, तो उस टाइम पर जीन्स वगैरह ये सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। ठीक है, उस टाइम पर जीन्स वगैरह ये टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो उस टाइम पर भी मेंडल ने क्या कहा कि ये सारे हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करता है, जीन्स की डिस्कवरी नहीं थी, तो जीन्स की जगह पर जो वर्ड यूज हुआ था दैट वाज फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो फैक्टर्स है इसी को हमने जीन्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्टर, फैक्टर यानी जीन्स। ठीक है, दिस फैक्टर अकर इन पेयर्स, ये तुम जानते ही हैं, फैक्टर यानी जीन्स, जीन्स दे अकर इन पेयर। फैक्टर्स कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्म ऑफ ट्रेट, जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्म ऑफ ट्रेट, whether it is dominant or recessive, there are two alternative forms of a gene, dominant or recessive। ठीक है, only one factor express itself in F1 generation, ये हमने देखा, only one factor, सिर्फ एक factor ही express करता है F1 generation में, the factor expressed is called dominant and the one hidden or the one that is not expressed is recessive, this is very important। Only one factor express itself in F1 generation. The factor that is expressed is dominant and the one that is hidden or not expressed is recessive. ठीक है, समझ आया, मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा, tall express हुआ, dwarf express नहीं हुआ, इसका मतलब tall is dominant and this dwarf is recessive. ठीक है, द रेसेसिव फैक्टर अपीयर अगेन इन F2 जनरेशन। ठीक है, लेकिन अब फिर आपको याद होगा कि इसमें F2 जनरेशन में क्या आता है, F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन में है, F1 क्रॉस F1, ठीक है, सेल्फिंग कराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब सेल्फिंग करते हैं तो उससे जो F2 जनरेशन आई है उसमें क्या आएगा,
देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो गैमेट्स गैमेट्स फॉर्मेशन में क्या होगा, ये सेपरेट हो जाते हैं, ये जो टॉल और डॉट ये जो है ना जीनोटाइप दे विल गेट सेपरेट, ठीक है। गैमेट्स फॉर्मेशन तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये रिकम्बाइन फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन, तो दीज गैमेट्स दे विल रिकम्बाइन एट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो यहाँ पर ये तीन और टॉल है लेकिन ये ड्वार्फ है ना, यानी कि द रेसेसिव फैक्टर अपीयर अगेन इन F2 जनरेशन में वो फिर से आ गया है ना, द रेसेसिव फैक्टर अपीयर अगेन इन F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में नहीं आता है बट F2 जनरेशन में रेसेसिव फैक्टर वापस से आ जाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, ठीक है, ये रेशियो आपको याद रखना है, फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, रेशियो क्या है वो, वॉट इज मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1, ठीक है, एंड वॉट इज जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी एंड द रेशियो इज 1:2:1, ठीक है। तो दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब हम दिस इज फर्स्ट लॉ, अब हम सेकेंड लॉ देखते हैं, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिस इज सेकेंड लॉ, ठीक है। वॉट दिस लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट एलिलिक पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रेस्टोर्ड बाय द रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्या, इसमें सबसे पहला स्टेप किया था सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, तो ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ले ली हमने दो, है ना, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हमने ले ली, ट्रू ब्रीडिंग यानी सिमिलर फैक्टर्स ही होने चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग में सिमिलर फैक्टर्स ही होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग यानी वो होमोजाइगस ही होता है, ट्रू ब्रीडिंग आपको याद होगा, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, वॉट इज ट्रू ब्रीडिंग, यानी इट गिव्स राइज टू सेम फॉर्म ऑफ ट्रेट फॉर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव जनरेशन, दैट इज ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, दिस सपोज के फैक्टर ले लिया हमने कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये सेपरेट हो रहे हैं, है ना। देखो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, तो ये जो वैरायटी, ये तो ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है इसके जो जीन्स है ये जीन्स सेपरेट होंगे, ठीक है, ये दोनों जीन्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट होके गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों भी सेपरेट होके गैमेट्स फॉर्म हुए, ये दिख रहा है सेपरेट हो गए, गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे ये किस तरीके से सेपरेट हो गए, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिलिक पेयर्स सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन और ये जो एलिलिक पेयर्स है, जो एलील्स है, एलील्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रेस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो समझना, अब क्या हो रहा है, ये पेयर्ड कंडीशन, यहाँ पर पेयर्स हैं तो पेयर्ड कंडीशन कैसे होगा, रिकम्बाइन होंगे फर्टिलाइजेशन में, ये जो गैमेट्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, दे विल गेट रिकम्बाइन एट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस ए इट कम्बाइन विद दिस ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस ए विल कम्बाइन विद दिस ए कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस ए विल कम्बाइन विद दिस ए कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस ए विल कम्बाइन विद दिस ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। रैंडम फ्यूजन हो गया, समझ आया, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, वेरी सिंपल, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच ट्रेट और कैरेक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय टू फैक्टर्स, ईच गैमेट पॉजेस ओनली वन फैक्टर ऑफ द पेयर, ठीक है, ईच गैमेट, दिस गैमेट ओनली वन फैक्टर, 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 है ना, ईच गैमेट पॉजेस ओनली वन फैक्टर ऑफ द पेयर, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ईच गैमेट पॉजेस ओनली वन फैक्टर ऑफ द पेयर, अ गैमेट इज देयरफॉर प्योर फॉर द ट्रेट, ठीक है, इसीलिए गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। देखो यहाँ पर मिक्स नहीं है ना, कोई भी दो जैसे कैपिटल है स्मॉल है ऐसा नहीं है ना, गैमेट्स के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है,
एक ही यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर है, यहाँ पर रिसेसिव फैक्टर, पर एक ही फैक्टर है ना. तो दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है. लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कि ईच गैमेट पजेस ओनली वन फैक्टर ऑफ द पेयर. अ गैमेट इज देयरफॉर प्योर फॉर द ट्रेड. गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, इसीलिए दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. ठीक है, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर. आई होप आपको समझ आ गया होगा, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर. ठीक है, चलो. नाउ देयर इज रैंडम फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट. ठीक है, सेपरेट हो गया. सेपरेट होने के बाद क्या हो रहा है, रैंडम फ्यूजन. रैंडम फ्यूजन सेपरेट होने के बाद हो रहा है, रैंडम फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट, टू फॉर्म जायगोट. ठीक है, दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज सेकेंड लॉ. ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा. आप टेक्स्ट बुक में से एक बार पढ़ लेना, आपको और समझ में आ जाएगा कि हमने दो लॉस कर लिए मेंडल के, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें एक और लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. चलो अब, हाँ देखो, सिम्बॉल्स हमारी टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट है, दैट इज सिम्बॉल्स, यूज ऑफ सिम्बॉल्स. देखो सिम्बॉल्स में क्या है कि हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं और स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हम डोमिनेंस के लिए यूज़ करते हैं, और लोअर केस लेटर्स हैं वो हम रेसेसिव के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी हम टॉल के लिए यूज़ करते हैं, एंड स्मॉल टी हम ड्वार्फ के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये कैपिटल स्मॉल आप याद रखना. ठीक है, दिस इज द यूज़ ऑफ सिम्बॉल. चलो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्यूनेट स्क्वायर. प्यूनेट स्क्वायर, ये आपको पता ही है कि दिस इज प्यूनेट स्क्वायर. प्यूनेट स्क्वायर ले लेते हैं. फीमेल, देखो प्यूनेट स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर है, दिस इज प्यूनेट स्क्वायर. जो फीमेल पेरेंट है उसे लेफ्ट हैंड पर यूज किया, लेफ्ट हैंड पर लिखते हैं, और जो मेल पेरेंट है उसे टॉप पर लिखते हैं. ठीक है, मेल पेरेंट ऑन द टॉप, मेल पेरेंट ऑन द टॉप, और जो फीमेल पेरेंट है दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, फीमेल पेरेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, फीमेल पेरेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और मेल पेरेंट ऑन द टॉप. ठीक है, और जो स्क्वायर्स हैं, इन स्क्वायर्स को हम फिल कैसे करते हैं, कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके हम इसमें, हम इनको कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर फिल कर देते हैं. एक मिनट, देखो यूज ऑफ सिम्बॉल्स. कैपिटल एंड लोअर केस अल्फाबेटिकल सिम्बॉल इज यूज टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिवनेस. ठीक है, कैपिटल फॉर डोमिनेंस, लोअर फॉर रेसेसिवनेस. व्हाट इज प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर किसने बनाया था, तो आर सी प्यूनेट फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, इट वॉज डिवाइज्ड बाय आर सी प्यूनेट फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स. आर सी प्यूनेट फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, क्यों प्यूनेट स्क्वायर किया था, तो टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स. ठीक है, to calculate the probability of all the possible genotypes of offsprings in a genetic cross. ठीक है, female gamete is entered on left vertical side, left side, and male gametes on the top. ठीक है, female on left vertical side and male gametes on the top. Squares are filled by combining gametes from both the parents. Squares are filled by combining the gametes from both the parents. ठीक है, now test cross एंड बैड क्रॉस. ठीक है, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट यानी टेस्ट हम क्यों लेते हैं, हम एग्जाम में टेस्ट लेते हैं, तो एग्जामिन करने के लिए, चेक करने के लिए नॉलेज लेवल, हम जो स्कूल में टेस्ट लेते हैं दैट इज टू चेक दी नॉलेज, है ना. तो टेस्ट क्रॉस यानी यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टेस्ट क्रॉस इज डन टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन वन ब्रीडिंग जनरेशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस. ठीक है, व्हाई इट इज डन, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप. देखो जीनोटाइप हमने देखा, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, है ना, जो जीनोटाइप है यानी जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जीनोटाइप. तो हमें एक बात बता, देखो दो थे, फिनोटाइप जीनोटाइप. फिनोटाइप इज फिजिकल एक्सप्रेशन, मतलब हम आंखों से देख सकते हैं. फिनोटाइप तो आप आंखों से देख के आपको पता चल जाएगा फिनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप देख के पता चलेगा नहीं. तो जीनोटाइप फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस. ठीक है, ये याद रखना, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप. ठीक है,
of an organism within one breeding generation. Here, the organism of an unknown genotype is crossed with homozygous recessive organism of the same trait. ठीक है, देखो हमें जिसका find करना है unknown genotype, जैसे यहाँ पर जो है ये unknown genotype है, ठीक है, unknown genotype. तो unknown genotype को हम cross करवाएंगे recessive trait के साथ. ठीक है, हमेशा recessive trait ये याद रखो आप, test cross में recessive trait के साथ cross करवाते हैं और back cross में either of the parent. ठीक है, बैक क्रॉस में ईदर ऑफ द पेरेंट बोथ द पेरेंट्स. ठीक है, और टेस्ट क्रॉस में रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है, याद रखना टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देखो ये अननोन जीनोटाइप है, इसको हमने क्रॉस करवाया होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ. तो किस तरीके से क्रॉस होगा, देखो यहाँ पर ये गैमेट सेपरेट हो जाएंगे, ये गैमेट सेपरेट हो गए तो रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर, ऑल द फ्लावर्स आर ऑफ वायोलेट कलर. ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है ना, ये प्यूनेट स्क्वायर बना के ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की, कि ऑल द फ्लावर्स आर ऑफ वायोलेट कलर. देखो सभी वायोलेट कलर के मिले, इसका मतलब अगर रिजल्ट आता है, देखो अभी ये देखो यहाँ पर अननोन जीनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टडिंग द रेशियो. हम रेशियोज को स्टडी करके अननोन जीनोटाइप को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, हम रेशियोज की स्टडिंग द रेशियो जो हम ये क्रॉस करेंगे, जो क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा रेशियोज में ही आएगा. ये हमने पहले ही देखा कि मेंडल ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हैं इसमें, है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई हुए हैं इसमें. ठीक है, तो यानी जो इसमें रेशियोज आएंगे उन रेशियोज पर से हम अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन करेंगे. अब देखो, इफ ऑल द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग शोज अ डोमिनेंट ट्रेट ओनली, अननोन जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट. समझो, अगर सारे रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग शो कर रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट ओनली, सब अगर डोमिनेंट ही हैं, तो जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट. ये समझ आ रहा है, देखो आपने भी किया, जीनोटाइप अननोन है और रेसेसिव के साथ, तो रिजल्ट क्या मिला, ऑल द फ्लावर्स आर ऑफ वायोलेट कलर एंड वायोलेट इज डोमिनेंट. राइट, इसका मतलब क्या है कि जो अननोन जीनोटाइप है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. राइट, इसका इस रिजल्ट से आप क्या कह सकते हो कि जो अननोन जीनोटाइप है दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ डोमिनेंट टू रेसेसिव इज 1:1. अब देखो अगर रेशियो ऑफ डोमिनेंट और टू रेसेसिव 1:1 है, देन द अननोन जीनोटाइप इज हेटरोजाइगस. तो अननोन जीनोटाइप जो है वो हेटरोजाइगस है. आप इसके लिए अपनी टेक्स्ट बुक का फिगर नंबर 5.9 देखिए, फिगर नंबर 5.9 देखना, और उसमें आप खुद ट्राई करना, आप एक हेटरोजाइगस लो. ठीक है, ये इस एग्जांपल में तो देखो होमोजाइगस लिया गया है ना, होमोजाइगस लिया है और इसीलिए हमें होमोजाइगस डोमिनेंट. आप यहाँ पर हेटरोजाइगस ले लो, तो आप जब हेटरोजाइगस लोगे और उसे क्रॉस हमें किससे करना होता है, टेस्ट क्रॉस में हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव. तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसमें डोमिनेंट टू रेसेसिव जो रेशियो आएगा दैट विल बी 1:1. रेशियो विल बी 1:1. और इससे क्या रिजल्ट मिलेगा कि अननोन जीनोटाइप इज हेटरोजाइगस. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इतना टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप. इसमें क्या करते हैं, तो अननोन जीनोटाइप को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म के साथ. ठीक है, और फिर रेशियोज की स्टडी करते हैं और उससे हम अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे, तो अगर रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग सभी सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर डोमिनेंट टू रेसेसिव रेशियो 1:1 है तो अननोन जीनोटाइप इज हेटरोजाइगस. ठीक है, अब देखो अगर अननोन जीनोटाइप रेसेसिव है तो फाइन, उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना, होमोजाइगस रेसेसिव है अगर अननोन जीनोटाइप, उसको तो फाइन करने की जरूरत ही नहीं है. राइट, ठीक है, चलो अब हम बैक क्रॉस में क्या है, क्रॉसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विद वन ऑफ इट्स पेरेंट. ठीक है, जैसे कि
वन ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब एक मेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है और एफ वन जनरेशन उनका, ठीक है, तो वो जो एफ वन जनरेशन में जो भी है उसको उसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर देंगे विद वन ऑफ इट्स पेरेंट, इधर वन ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है, मेल और फीमेल पेरेंट, तो दैट इज बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस। देखो बैक यानी उल्टा, बैक यानी पीछे जाना होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वन पेरेंट, यहाँ पर सेकेंड पेरेंट और यहाँ पर विल बी द प्रोजेनी, राइट, तो बैक यानी प्रोजेनी, इसका क्रॉस करेंगे हम या तो फादर मेल पेरेंट के साथ या फिर फीमेल पेरेंट के साथ, पीछे जा रहे हैं ना हम बैक, इसीलिए इसे कहा जाता है बैक क्रॉस, ठीक है, और उसमें हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, वो टेस्ट क्रॉस है क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या है, ये बैक क्रॉस का फ़ायदा क्या है, देखो वाई इट इज़ डन, इट इज़ यूज इन जेनेटिक्स फॉर एनालिसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफस्प्रिंग टू मेक डिजायरेबल होमोजाइगस एनिमल्स एंड प्लांट। वाई दिस बैक क्रॉस इज डन, टू मेक डिजायरेबल होमोजाइगस एनिमल्स एंड प्लांट। देखो अगर हमें होमोजाइगस एनिमल्स या प्लांट चाहिए तो हम उसे अपने उसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर देंगे, यानी अगर हमें जिस वैरायटी की हमें डिज़ायर है या हम जैसी वैरायटी चाहते हैं हम वैसी वैरायटी इससे ले सकते हैं, ठीक है, ये बैक क्रॉस करवा के, इसलिए, ठीक है, दिस इज़ बैक क्रॉस। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे और उसके बाद अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोर डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स करेंगे, ठीक है, तब तक आप यहाँ तक स्टडी कर लीजिए, ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर।